अब तीन विधायक बचा हुआ है तो माननीय भाई मुकेश सहनी पूछना चाहता हूं कि क्या छोटे भाई के साथ आदरणीय लालू जी के साथ राजद में क्या वो एंट्री करना चाहते हैं तीनों विधायक के साथ लेकर अगर तीनों विधायक के साथ लेकर आते हैं तो मैं इनका स्वागत करूंगा समाज के नाते सभी लोग इनका स्वागत करेंगे मगर सबसे पहले अपने घर को देखें कि आपका तीनों विधायक आपके साथ है कि नहीं क्योंकि भाजपा वाले आप पर जो आक्रमण कर रहा है अब आपको पता चल रहा होगा कि सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले लालू यादव किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित अति पिछड़ा पिछड़ा ये सबके लड़ाई लड़ने वाले लालू यादव मानवर तेजस्वी यादव जी आज जो है सो सबको मान और सम्मान देने का कर... नमस्कार न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं मैं आपके साथ रंजन सिंह आपको बता दें कि बिहार एन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है लगातार मुकेश सहनी बीजेपी पर हमलावर हैं तो बीजेपी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मुकेश सहनी जहां जाना चाहते हैं जाएं लेकिन मुकेश सहनी अब तेजस्वी यादव को छोटे भाई बता रहे हैं और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से वह ताल्लुक रखते हैं इस तरह की बयानबाजी अब मुकेश सहनी कर रहे हैं हम पहुँचे हैं आर के विधायक हैं उनसे जानते हैं कि आखिरकार अब इस तरीके की बात वो कर रहे हैं मुकेश सहनी अब कर रहे हैं तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं देखिए जहाँ तक सवाल उठता है कि जिस पार्टी के साथ ये एनडीए के साथ गत चुनाव में किस प्रकार से भरी महफिल में ये बोले थे मुकेश सहनी जी कि हमें पीठ में खंजर भोंका गया और उस चुनावी माहौल को 2020 में जो बिगाड़े थे और अब जाके इनको पता चल रहा है न तो यह आरक्षण दिवा पाए जिस आरक्षण के नाम पर यह राजनीति शुरू किए थे कि हम जब तक आरक्षण नहीं दिवागे तब तक किसी पद पर नहीं जाएंगे मगर ये वहां गए हम लोगों पर यह आरोप लगाते हुए कि हमारे पीठ में खंजर भोका गया है तो भाई मुकेश सहनी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एनडीए वाले भाजपा वाले नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी क्या वहां जाने के बाद इनको पेट में खंजर भोग रहा है क्या सामने से खंजर भोग रहा है ना तो इनको हमारे समाज को कोई आरक्षण मिला न किसी प्रकार का कोई व्यवस्था हुआ तो आज जब परिस्थिति जब बदला है इनके साथ में उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको एक सीट भी नहीं दिया गया तो आज पुनः हमारे मानवर तेजस्वी यादव जी याद आ रहे हैं उनको छोटा भाई कह रहे हैं तो छोटा भाई बड़ा भाई हम तो मानते हैं मगर आप जिनको जिता के चार विधायक लाए थे उसमें से एक विधायक आदरणीय मुसाफिर पासवान जी का निर्धन हो गया और तीन विधायक बचा हुआ है तो माननीय भाई मुकेश सहनी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो छोटे भाई के साथ आदरणीय लालू जी के साथ राजद में क्या वो एंट्री करना चाहते हैं तीनों विधायक के साथ लेकर अगर तीनों विधायक के साथ लेके आते हैं तो मैं इनका स्वागत करूंगा समाज के नाते सभी लोग इनका स्वागत करेंगे मगर सबसे पहले अपने घर को देखें कि आपका तीनों विधायक आपके साथ है नहीं। कि नहीं क्योंकि भाजपा वाले आप पर जो आक्रमण कर रहा है अब आप आपको पता चल रहा होगा कि सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले लालू यादव किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित अति पिछड़ा पिछड़ा ये सबके लड़ाई लड़ने वाले लालू यादव मानवर तेजस्वी यादव जी आज जो है सो सबको न... मान और सम्मान देने का काम उनको न्यौता दे रहे हैं हम न्यौता नहीं दे रहे हैं हम कह रहे हैं कि आपको जो पार्टी का है विधायक मुख रीड होता है आपके साथ तीन विधायक है कि नहीं पहले ही घोषणा करवाइए तीनों विधायक से कि जहां मुकेश सहनी जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे हम अपने यहां निमंत्रण नहीं दे रहे हैं आप हम उनको ये, उनको सलाह दे रहे हैं कि अपने विधायकों से पूछे कि, कि किस प्रकार से आपके साथ विधायक है कि नहीं तीनों पर आरजेडी में आने की नहीं आरजेडी किसी भी दल में जाए कोई भी दल में क्या होगा जो आपको डिग्री तगमा जो आपने जिता के लाया वो सीट मिला चार चार जीते जीते तो वो, चार वो जीते, तो एक सौ बेचारे मर गए वहां उपचुनाव होने वाला है तो उपचुनाव उप में क्या होगा तो वो बात बात की है मगर जो अभी आपके पास में तीन प्रजेंट है तीनों को बैठा के पहले सर्वसम्मति से पहले निर्णय तो लीजिए हम तो पहला ही बोले कि आपका स्वागत करेंगे हम जब कोई को भी तिरस्कार रामविलास पासवान जी को इसी प्रकार से सभी ने ठगने का काम किया तो मानवर लालू यादव जी ने उन्हें राज्यसभा में भेजकर और सम्मानित करने के काम किया तो शोषित उपेक्षित गरीब गुड़वा स्वर्ण गरीब जिसको भी ए टू जेड किसी को भी अगर अपमानित किया जाता है तो लालू यादव और लालू यादव के सिद्धांत राजद उसे जो है सो पनाह देने के काम करता चलिए बिल्कुल तो ये थे हमारे साथ अनिल सहनी मुकेश सहनी और अनिल सहनी आरजेडी से विधायक थे इनसे हमने सवाल किया है और इनका कहना है कि जो तीन विधायक हैं उनके तो क्या वो उनके साथ हैं पहले ये बात पूछ ले तब मुकेश सहनी कहीं आने या जाने की बात करेंगे लेकिन बिहार में जिस तरीके का माहौल अभी है ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार पलट सकती है क्योंकि बयानबाजियों का सिलसिला इस कदर चल रहा है के साथ नमस्कार